क्या जी ये? ये दाल के पकोड़े हैं। हाँ जी। भांग की चटनी है। वाह। और ये भांग के बीज हैं। ओके। हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं थोड़ा अपना धर्मिंदर बनी, एक बार फिर तो थोड़ा सारिया का साढ़े चैनल से स्वागत है। सो दोस्तों, अज असी जा रहे हैं ऋषिकेश तो कान्हाताल। कान्हाताल बहुत ही खूबसूरत जगह है, एक शहर है या पिंड कह लो, है ना, उत्तराखंड का। बहुत सोहना व्यू आ उत्थे, कमाल दी जगह है। मैं भी पहली बारी चलिया, क्योंकि मैं भी पहला कदे गया नहीं है। सो असी तीन चार जने जा रहे हैं जो दोस्त इकट्ठे हो के। राकेश स्वामी जी कहते चलो थोनू जवाको घुमा लियाइए कि, मैं कही चलो चलते हैं। सो मेरे नाल सरीजन है, पेंसी है, उधरों गड्डी कढ़ के लैके आ रहे ने। मैं बाहर रोड पर आ गया, मैं चलो थोड़े नाल थोड़ी गलबात कर लिए। सो बने रहो, देखते रहो साडा चैनल। मैं तुहाडा अपना धर्मिंदर बनी यो। लो जी, आ खड़ी है साड़ी गड्डी, बंदे सारे विच बैठे। हेलो हेलो हेलो। होर स्वामी जी, तैयारी है? फिर हुण तुसी पुछोगे कि तुसी किथे जा रहे हो? किथे जा रहे हैं? असि जा रहे हैं जी कान्हाताल। वाह जी वाह, क्या बात है। हां, एक पैराडाइज जा रहे हैं जी। सही है। हां, इन्हां नूं रात नूं फिर दिखा देना तुसी। ठीक है जी। ओथे दे नजारे तिब्बत तक दिखदा ओथे तों। ठीक है जी। चलो फिर दोस्तों, भी दिखा देना इन्हां नूं थोड़ा। ठीक है जी, बहुत खूबसूरत है। जय हो। चलो जी दोस्तों, गड्डी कढ़दे हैं ते चलदे हैं फिर। यो मैनू तां लै जाओ, मैं रह गया। हाँ जी दोस्तों, तो ऋषिकेश तो नरेंद्र नगर रोड से चढ़ चुके हैं। स्वामी जी इधर गड्डी पूरी पजा रहे हैं। लो जी, रोड भी पूरा मलाई यार, क्या कहने, नवा नवा बने। लालू प्रसाद यादव जी कहते होंगे सी, हाँ जी, अपने बिहार दे रोड बनाते, हाँ जी, कि मैं रोड हालू, मतलब रोड जेडे ने स्वामी जी बहुत मजाक वाले, बहुत जी लगाते हैं। और पेंसी के में नंग रहा सफर? बहुत बढ़िया बढ़िया। हां देख लो, हिंदी च हो गई इथे आके, चंगी भली पंजाबी बोलदी हुंदी सी। ठीक है दोस्तों, तो रास्ते च रुकदे हैं, फिर किते थानू दिखाउणे आ कोई वधिया लोकेशन। हां हेलो पड़े। अच्छा वो निकलेगा कहां जाके? नहीं, कहां निकलेगा वो कुंजापुरी क्रॉस कराएगा? हैं, कुंजापुरी क्रॉस कराएगा? अगे कुछ पहाड़ पूड़ टुटिया वा, ओहदे करके हुण सानू घूम के उत्तों दी आउणा पऊगा। गड्डी घुमा ली है असीं, हुण उपरों दी आउणे। ठीक है जी। इधर स्वामी जी ने कार दे डाहर घुमा दे बई। नदी पार की पार? नदी पार, नाले पार, और नाले पार, नाले पार, समुंदर पार, समुंदर पार, नाली आए विचकार। हाँ जी किदा हो? तो असी इस वक्त पहुंच गए हैं अगरा खाल, पता नहीं की ना है, अगरा खाल, अगरा खाल पहुंच गए हैं। इतों की मार्केट तुम दिखा दें छोटी जी है। कहाँ जाके आए हो? मैं पूछ रहा था इससे आगे का रास्ता ना। अच्छा, तो कह रहे आगे रास्ता खुला हुआ अभी फिलहाल, तो बाकी कल बंद था। लेट्स सी, बारिश की वजह से हाँ रोड काफ़ी बंद हुए पड़े हैं। दोस्तों इस पिंड बड़िया सारिया ऑरगैनिक चीज़ा मिलती जिमें दाल मसाले, अगर खाले पिंड का ना है। लो देखो,
नदी बहती है नीचे, गिरगिट बैठा दोस्तों आह बाले ने उरे तो है ना कलर चेंज करी जाता है। क्या जी ये दाल के पकोड़े हैं? हाँ जी, भांग की चटनी है। वाह, और ये भांग के बीज हैं। ओके सही है। लो भी दोस्तों भांग की चटनी भंग के बीज लगे हुए है। ये हम खाना सारी फीमेल खाना बनाती है जी। ओके हाँ सही है। हाँ नाल इधर चाह, जब यहाँ आए तो आज जब भी यहाँ आए तो इस सुंदर जगह में आए। ठीक है, और इनका किचन बहुत साफ सुथरा है, बहुत सुंदर है, फीमेल खाना बनाती है। सही है, गांव से सारा मटेरियल आता है, बस फिर देखो। ये तो एसिडिटी खत्म करती है। दाल दे पकौड़े उत्ते भंग दे बीज लगे हुए हैं, मेरी गारंटी है, नाल भंग वाली चटनी। ये प्रेम है लोगों का। लो भी दोस्तों चाह पीली, पकौड़े खा ले भाई, भंग वाले पकौड़े खा ले, भंग वाली चटनी हूँ पता नहीं की होगा। होना होना तो की है। अखा च की आ गई तेर, अखा च देखो अखा आई है, कितने कुछ नहीं आया गा, एवं भगाई मारी जाते, अखा च टेर आ गई। सो असी हूँ इतों निकल पे हैं, अगे आऊगा चंबा। चंबे तो दो रास्ते ने, एक गंगोत्री वाली साइड चला जाता, तो दूसरा किधर जाता? काना ताल, जिधर असी जाना है मंसूरी रोड है जी। मंसूरी काना ताल रोड है, मसूरी मसूरी रोड। सो थानू दिखाने हो कितों किधर नूं सड़क जाती है, अगे रास्ता देखो भी दोस्तों, बारिश तो बहुत खतरनाक आई है तेरी जड़ी आई सी ना। चल वे दिल्ली 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 आलू बीन्स भी बन सकते हैं। और नहीं है कोई सब्जी? आज तो नहीं यार, आजा जा रोड रोड का बन के ना। हाँ बिल्कुल लोकल रहा होगा वो दोस्तों। चंबा पहुंच गए हैं, तेल पवा लिए। ये लो भाई, मिलावट तो नहीं है पेट्रोल में भैया? जीरो देख लिया जी, डाल दो जी, बिल्कुल सर जीरो देख लिया हमने। ये है जी उत्तराखंड का चंबा, एक हिमाचल का चंबा, एक इत्थे चंबा। लद्दी पई है गड्डी सवारियां नाल। इधरला रास्ता जाता गंगोत्री, जंगोत्री ते असी मुड़ गए हैं खब्बे हाथ लैफ्ट साइड, ये जाता काना ताल। प्याज ले लो, प्याज नहीं है जी,
प्याज होंगे एक एक किलो प्याज अगर आगे खड़ी है क्या क्या लेना जी ठीक है जी और दो एक सेब ले सेब ले लेते हैं बस बस देख जरा उतर दीदी थोड़ा साइड होगा कितने हो गए जी 190 से दो घंटे और फुल स्नो गिरती है अभी स्नो के तुझे वीडियो दिखाऊंगा लो भी दोस्तों पहुंच गए आपा माया इन आ कॉन्टैक्ट नंबर है जो तुम इतने आना चाहो तो ये रास्ते उपर आ जाओ हर दो दो मिनट बाद इत्थे मौसम बदलता रहिंदा है चलो उपर वाल नूं चलदी है जगह बहुत ठंडी है यार मजा ही आ गया लग ही नहीं रहा गा भी उत्तराखंड च ऐ लग रहा हिमाचल आ गए हुंदे आ जिवें चारों तरफ देवदार दे पेड़ लगे हुए है मोटे कपड़े हैं नहीं गए पर ठंड सच्ची ही बहुत है जे तुसी आओ तो थोड़े मोटे गर्म कपड़े जरूर लेके आओ दोस्तों हाँ 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 क्या नज़ारा है लो जी माया इन च पहुँच गए समान समून तार लिए थैंक यू स्वामी जी बहुत बढ़िया जगह ले गए क्या बात है सही है हले दिखाने हैं ना नू और नजारे दिखावांगे ठीक है जी दोस्तों 7800 फिट ऊंचाई है जिथे असी खड़े हैं इस वक्त काना ताल ला लेना जी ठीक है जी ठीक है भैया बना रहे हैं मैगी हेलो भैया कैसे हो बढ़िया क्या नाम है आपका कुशपाल है कुशपाल कुकपाल कुशपाल लो भी दोस्तों मैगी बन रही है हम मैगी खावांगे तो उधर चाह रखी हुई है चाह पीवांगे बहुत बढ़िया जगह है